सबको जय एमसी की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय एमसी की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय एमसी की। जितना ज्यादा प्रोग्रेस करोगे बोने में, उतनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल का कानून है और इसको मानोगे तो धनी होगे, नहीं तो सीधा बोलता है क्रैम कह मैं कंगालों को धनवान बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर मेरी आज्ञा का पालन करेंगे तो। हालेलुया। कहता जो डाउन है, जो बंद पड़े हैं, लेकिन जो लोग अपने दिमाग से खेलते हैं, पहचानने की जरूरत है, अपने दिमाग से मत खेलो, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। मैं एक साथ में दोनों जगह ट्राई कर रहा हूँ, इधर भी और उधर भी, समझ रहे कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि इधर भी एक बिल्डिंग बनाई जाए और उधर भी बनाई जाए। हालेलुया। तैयारी की जाए, उधर मैंने बोला है कि उधर के लोग उधर और इधर के लोग इधर। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। आप तैयार है कि नहीं? तो कितने लोग हैं जो 25,000 वाले, 50,000 वाले, 1,00,000 वाले, कुछ लोग मुझे चाहिए, वो जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनके लिए आज मैं ऑयल लगा के दुआ करूंगा स्पेशल। आप बाद में दे सकते हैं, 1 महीने 15 दिन है आपके पास। हालेलुया। जो लोग ऐसे हैं वो खड़े हो जाओ, मैं उनके लिए दुआ करूंगा आज। अपने सिर पे हाथ रख लो वो लोग, जो लोग 25,000 और 1,00,000 आप लोग चाहिए ऐसे, और प्रभु के लिए दिल नहीं खोलता, वो लोग अपनी आशीषों को खराब करते हैं। अबलबा शबलबा लबा शबलबा। आप सिर पे हाथ रखो वो लोग, और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि यही समय जिस समय आप परमेश्वर के दास की बात को सुनकर खड़े हो गए, यही होता है लहर का समय। कुछ लोग बाद में करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं शायद मैं पति से पूछूंगी, पत्नी से पूछूंगी, लेकिन आप लोग, मुझे पता है पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिराकल करेगा। विश्वास से खड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। अब अल्लाह शबरा 15 दिन के बाद मैं यह काम स्टार्ट कराऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि ये वो रुके। अगर कोई दीवाना हो तो मेरी तरह आगे आना कि हाँ अपनी दीवानगी दिखाऊंगा। यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और आप देखना परमेश्वर करेगा। बोलो हालेलुया। मुझे दुख लगता है जब लोग यहाँ पर बारिश में बैठते हैं, मुझे दुख लगता है जब लोग धूप में बैठते हैं। मेरा परमेश्वर देखता है उन लोगों के लिए, मेरा दुख लगता है। मैं कोशिश करता हूँ हर संडे, आप यहाँ खाना खा के जाते हो कि नहीं, लंगर दान करते हैं लोग, लंगर मैं अपनी कमाई में से भी आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी पत्नी को सुनो सिर्फ 4,000 रुपये गवर्नमेंट देती है। क्यों? क्योंकि वो एक नर्स है, डॉक्टर लेवल का उसने कोर्स किया। जो जिनकी नौकरियाँ अब तक नहीं लगी उनको 4,000 मिलते हैं। वो मैं अपनी पत्नी के पैसों से हर संडे एक लंगर डालता हूँ जो मेरे से होता है। हालेलुया। परिवार सुन रहे हो? हर संडे जब तक आप बीज नहीं बोओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप बंधन नहीं टूटते। और कुछ लोगों के, एक बहन आई और उसके साथ क्या हुआ, परमेश्वर ने आशीष दिया। अमेरिका से 5 बार आई। क्यों आ रही वो 5 बार? क्योंकि उसने देखा जितनी बार मैं टिकट लगाकर यहाँ आ रही हूँ, उसने ये नहीं देखा बीज बोकर आ रही है, और परमेश्वर ने उसके बंधन तोड़े, 65,00,000 रुपए के कर्जा उसका हटाया परमेश्वर। मैं क्या कह रहा हूँ, कर्जे ऐसे नहीं टूटते, बंधन बीमारियां ऐसे नहीं जाती, मन खोलना पड़ता है यीशु के लिए। हालेलुया। कुछ लोग, जो लोग अपने मन को खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में बड़ी बढ़ोतरी करने के लिए जा रहा है। हम लोग ये देखते हैं कि शायद नहीं है। मैंने जिस दिन स्टार्ट किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल स्टार्ट और करके मार्केट में बेच के पहली बार मैंने लंगर लगा के चर्च स्टार्ट किया था। पहली बार मैंने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल बेच दी थी प्रभु के लिए। दीवाना हूँ प्रभु का। ऐसे नहीं कलीसिया बढ़ती जो लोग कभी नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, मैं उस चर्च में कभी नहीं जाता। लोग बोलते हैं कि प्रोफेट बजिंदर को बुलाओ, ये हमारे देश में प्रचार करें। मेरे पास बहुत फोन आते हैं और वो लाइव सुन रहे हो तो सुने, मैं कभी नहीं जाता उनके चर्च में। मैं गया और मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं पहले जाता था, मैंने 2,000 रुपए में, कोई मुझे 2,000 देता, 500 देता, पता है पूरे पंजाब को। मैं जाकर सेवा करता था, किसी के चर्च में भी दुआ करके आता था, काम करता था। वो बेचारी एक बहन बैठी है डिंपल, वो जानती है हमें। हर समय मैं जाता था कहीं भी, लेकिन सुनो ध्यान से, अब लोग मुझे बुलाते हैं और मैं जाता नहीं हूँ। कारण क्या है? क्योंकि
वो लोगों का चर्च, मैंने उनके चर्च में इतनी दुआएं की लेकिन उनका चर्च नहीं बढ़ा। और जिसकी मैंने दुआएं दूर से कर दी उसका चर्च बढ़ गया। कारण क्या था? मैंने एक दिन पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर ने कहा दोबारा इनके चर्च में मत जाना प्रार्थना करने। मैंने कहा क्यों? पवित्र आत्मा, मैंने कहा, कहता है ये, कहता है अपने अंदर बोझ नहीं लेते ये याकूब, मेरी बात को सुनो, मतलब कहता है ये अपने अंदर बोझ नहीं लेते। कहते हैं, कहते हैं पब्लिक करेगी, हाँ जी चर्च वाले पूछते ने, हाँ जी एक पास्टर मंगाना बारह इंडिया तो, हाँ जी कड़ा कड़ा पैसा देगा, और लोग हाथ खड़ा करते हैं, तो ठीक है मंगाएंगे, नहीं तो नहीं मंगाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी केड़ा केड़ा लंगर करेगा, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अरे ड्यूटी किसकी है? पादरी की है। ये मेरे अंदर बात है, अगर भी बेचे अगले संडे लंगर होगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ पूछा है लोगों से, और लोगों ने जब हाथ खड़े किए और लोगों ने कहा, और उसके बाद आपको बता रहा हूं मैं बड़ा और वो लोग बड़े। हालेलुया, हालेलुया। आज वो समय आपका है कि आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। प्रभु के कामों के लिए लोग अपनी जमीनें देते हैं, अपने घर देते हैं। पुराने इसराइली अपनी भेड़े ऊंटे सोने आप सब कुछ दान करते थे, उनको पता था कि हमें प्रभु के घर बनाना। कहता है बाइबल में लिखा, कर लकड़ी बीन कर ले आओ, कहता है ताकि मैं, कहता है तुमसे प्रसन्न हूं। क्लियर लिखा था, लकड़ी भी निकल आओ। अगर उस समय लकड़ी की जरूरत थी लकड़ी लाए, आज किस चीज की जरूरत है परमेश्वर को बोल लेकर आओगे, तो आज आसमान का खुदा अगर खुश हो गया तो आपकी जिंदगियों में स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आज ये लोग अपना नाम लिखवाना, और आज परमेश्वर उन लोगों के लिए आशीष देगा, और मैं उस लिस्ट पे हाथ रख के दुआ करूंगा आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। आपको बता रहा हूँ कि वो चर्च कभी नहीं बढ़ा। वो लोग क्या करते हैं, कहते नहीं नहीं, कहते ठीक है जी, कहते पादरी बजिंदर पैसे मांगता है। अरे आप लोगों के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं कि एक पादरी को बोझ हो, एक विश्वासी को बोझ हो। अगर पूरे वर्ल्ड से आप किसी भी अभिषिक्त दास को बुलाओगे, अगर आपको कहते हैं कि आप जिस हिसाब से पैसा लगाओगे तो आप मेहनत भी ज़्यादा करोगे कि हाँ यार पैसा लगा हुआ है, जाओ यार इतने लोगों को सूच समाचार सुनाओ, जाओ यार इतने लोगों को बुलाओ, पैसा लगाया मैंने पूरा भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? जब पैसा ही नहीं लगाया, आ जाएंगे लोग चर्च में, कोई बात नहीं, मैं जाता है इंग्लैंड में गया 100 लोग, अरे शर्म की बात है, मेहनत नहीं करते लोग। आप बुलाओ, जाओ, निकलो बाहर, अन्य जाति लोग भी आते हैं, वही 10 चर्च इधर से इकट्ठे हुए उधर इकट्ठे हो गए, बाहर इतनी दुनिया है, आप जाओ, आप पड़ोस में जाओ, आप करो मेहनत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मीटिंग ऐसे नहीं करता, मेरी पूरी टीम, यहाँ पूछो वॉलंटियर, मेरे वॉलंटियर निकलते हैं, जिस भी पादरी ने मीटिंग रखवाई होती है। अभी पहली तारीख अमृतसर में मीटिंग है कि नहीं? और अभी आप वहां जाकर देखना, मेरी पूरी चार बसें, मेरी वॉलंटियर चार बसें, आज पूरा 2 हफ्ते हो गए हैं घूम रहे हैं उस इलाके में, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेरी गाड़ी मेरे पैसों का तेल जा रहा है, मेरे चर्च से जो दान जाता है वो तेल में लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, 1,00,000 रुपया पेट्रोल का है 1 महीने का उनका खाने का। मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, तुम मेहनत करो, रिजल्ट हमारे घर में आएगा यीशु मसीह के नाम में। जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, इसलिए चर्च नहीं बढ़ते हैं, इसलिए कह रहा है कि चर्च बढ़ाने हैं तो निकालो अपने लोगों को बाहर, और जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और उनको कहो कि देखो हमारा घर फैलने के लिए जा रहा है, हमारा घर बढ़ने के लिए जा रहा है, चर्च बढ़ने के लिए जा रहा है। कहता बाहर लोग क्या कारण है, देखते लाइव के, हाँ इंडिया में इतने लोग हो गए, अरे इंग्लैंड में भी इतने लोग हैं, जाओ आप देखो किसी पास्टर की बार फॉरन की देखो, किसी कन्वेंशन देखो कितने लोग हैं, बाहर क्या है, इंडिया की मीटिंग देखो, 100 लोग 200 लोग 300 लोग इतने लोग इकट्ठे होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बोझ नहीं करते। अरे बोझ करो परमेश्वर का, मैं कह रहा हूं कि पूरा हॉल भरने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो लोग कहते हैं कि जो कह रहे हैं फॉरन में भी इस बात को सुन रहे हैं, अगर ये एक्टिव हो रहे हैं तो उनका चर्च बढ़ रहा है, उनका घर बढ़ रहा है, उनके बिजनेस चल रहे हैं, उनके बच्चे आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पैसे की चिंता ना करो, परमेश्वर पैसा देगा, पवित्र आत्मा आशीष देगा। हम इसलिए पैसा लगाते हैं लोगों के ऊपर कि ताकि वो लोग, एक आदमी बोल रहा था, कहते ये बोलते हैं लेकिन सुनो, आप जाओ बुलाओ करो जो मर्जी करो लेकिन कभी काम नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसा लगाओगे, सुसमाचार सुना कराओगे, आप लोगों को इकट्ठा करोगे, मीटिंग कराते हो, उसके बाद देखना आपके घर के रास्ते कैसे खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में।
वो चर्च कैसे तरक्की करेगा? नंबर वन होगा, हालेलुया हालेलुया। बातें अपने अंदर रखो, अपने अंदर कि नहीं आप जाते नहीं, किसी को बताते नहीं है, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। और मेरी प्रार्थना से मेरे ऊपर जो अभिषेक है, धन का अभिषेक, मैंने एक बंदे के लिए प्रार्थना किया, 10 करोड़ आया कि नहीं? वो बंदा बैठा है, हाँ अभी भी खड़ा है, 4 किले उसके दान कर दिए किसी ने, 0 था वो, 0। वो देखो क्यों? क्योंकि उसका मन है बीज बोने का। ये बंदा मेरे चर्च में लगातार बीज बोता था, और परमेश्वर ने क्या किया, 0 माँ बाप के पास कोई पैसा नहीं था, वो उधर खड़ा है, और 4 किले इसको दान कर दिए इसके दोस्त ने। कौन है ये कराने वाला? परमेश्वर है। आज मैं कह रहा हूँ आपकी स्टोरी एक दान करने से बदलने वाली, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, आपकी सोच में समझ में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए मन खोलने वालों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। अपने हाथों को अपने सिर पर रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज गुड फ्राइडे के दिन मेरे पिता परमेश्वर ये फैसला लिया है कि मैं तेरा दीवाना बनूंगा, आज तेरा भवन बनाऊंगा, जैसे आगे भविष्यता को कहा कि जा लकड़ी बीन करना और इसी समय लोगों को तैयार कर, और लोगों को कह करा जिस बात से मैं खुश होता हूँ, कहता कि मैं इस बात से खुश होता हूँ करा कि जब तुम मेरे भवन में बीज बोओगे और मेरे भवन को बनाओगे। पवित्र आत्मा, जितने लोग खड़े हुए हैं आज से इसी समय इनका बिजनेस खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी हड्डियां इसी समय सोई ना रहे हैं, इनकी हड्डियां एक्टिव हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिस काम में कमजोर है आज इसी समय वो काम इनका बनने लगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं खास कर इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो लोगों ने सच में कंट्रीब्यूशन में खड़े हुए हैं पिता, इनकी जिंदगियों में जो लाइव में भी जिसने इस मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा जी प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बीज बोया है पवित्र आत्मा जी, इन्होंने मेरे घर के लिए नहीं तेरे चर्च के लिए बोया है मेरे पिता। आज मेरी प्रार्थना है कि आज गुड फ्राइडे के दिन स्वर्ग से मेरे पिता तू अपने दूतों को उतार, और सच में जो ईस्टर के दिनों में बीज बोते हैं परमेश्वर, तो उनकी जिंदगियों में अद्भुत काम करता है। आपको पवित्र आत्मा मेरे द्वारा एक भविष्यवाणी कर रहा है कि आपकी जिंदगियों में रिजल्ट आएंगे आज यीशु मसीह के नाम में, अद्भुत रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम में, काम में, जॉब में, घर में, हर चीज में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होगी यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। वो एड्स की रिपोर्ट नॉर्मल आई यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा इन सबको छू और आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत सारे लोग सुनो 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस चर्च में से कोई गवाही देगा कि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ है? तारीफ करें, जोर से बैठ जाए, शाबाश बैठे, शाबाश हालेलुया। सिस्टर आप कहाँ से आए हो? मेरी बात को सुनो, बड़ा कोई बिजनेस में हाथ डाला था किसी ने बिजनेस में हाथ डाला था, किसी ने किसी के कहने से डाल दिया, क्योंकि बिजनेस कर लेते हैं कोई 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 काम शुरू करते हैं, किसी से कहने से नहीं किया था, मैंने खुद किया था। लेकिन आत्मा मुझे बोल रहा, सुनो किसी ने सलाह दिया था, सलाह आपने किया लेकिन उसमें एक नुकसान उठाया, नुकसान उठाया कि नहीं? लेकिन जब आपका बिजनेस 3 महीने बहुत अच्छा चला तो वो सांप के जलने लग गया आपसे, और वो बहुत चले। आप बॉम्बे से आए हो, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि सुनो बॉम्बे में धूम मचने वाली है तेरे बिजनेस को देखकर। ऐसे धूम मचती है, रसीव कर दी है कि नहीं? बुलाई धूम मचने वाली है बॉम्बे में। बोलो बॉम्बे वालों को, बोलो बॉम्बे वाले, धूम मचने वाली मेरे बिजनेस में। बॉम्बे वाले सुनो, मेरा यीशु मसीह मेरे द्वारा धूम मचाएगा। हालेलुया हालेलुया। तेरे पास एक 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 प्रॉपर्टी का एक बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे एक प्रॉपर्टी का एक प्रॉब्लम था, जैसे लैंड कोई हाउस, फ्लैट कोई फ्लैट, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई फ्लैट, सुन रहे हो? क्या था सुनो, मैं आत्मा देख रहा हूँ उस फ्लैट को। आपने 3 बार जैसे किसी ने सोचा लोन ले ले, इसको ले ले, इसको सेल कर देंगे आगे, कुछ होगा कुछ ले लेंगे, कुछ कर लेते हैं इसमें, या किराएदार बैठा देंगे, कुछ कर देंगे ऐसा, लेकिन वो काम जैसे कुछ बना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है 3 हफ्ते के बाद तो रिजल्ट देखने वाली है यीशु मसीह का। तेरे चलते फिरते बिजनेस पर किसी ने हल्दी डाल दिया, कोई 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 ऐसे पत्ते और मैंने देखा कुछ इलायची, और आपके पर्स में से एक इलायची, आपको पता नहीं, और कुछ लोगों ने कुछ महसूस किया, जैसे लौंग एक इलायची और कुछ छोटे छोटे दाने काली मिर्च वाले, ऐसा ऐसा आपके घर में से मिलने लगे अचानक
अचानक एक दिन ऐसा किसी ने देखा कि ये क्या, मेरे घर में ये क्या चीजें पड़ी हैं। लेकिन आप सोच रहे शायद ये अपना ही सामान है, लेकिन नहीं, वो शैतानी ताकत उसको लेकर आई थी बाहर। परमेश्वर का आत्म हो रहा है, उस दिन से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। आपके यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है, आप इस बात के लिए बहुत रो रही है। इतने तीन डॉक्टर बदले आपने, एक डॉक्टर ऐसे सीढ़ी चढ़कर ऊपर वाला है कि नहीं, एक क्लिनिक है जिस शीशा लगा हुआ है, ऊपर चढ़ के सीढ़ी पर उस डॉक्टर पर गए, आपने उसको भी बताया, लेकिन वो बोला कहता ये भी मेरे बस का नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, वो रिपोर्ट जो है रिपोर्ट कहता है आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं कि नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो घर भी जाना है, सारे बोलो हालेलुया। पत्रस तू देख रहे सुनो, आपने जब वो रिपोर्ट दिखाया उसको, वो भी हाथ खड़े कर गया, कहता भाई कह रहा है तेरे को कुछ नहीं है, तू ऐसी टेंशन ले रही है, बोला कि नहीं उसने, बोला कि तुझे कोई टेंशन है। आपके 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 हस्बैंड के बारे में पूछने लग गया कि क्या करते हैं वो, आपके बारे में पूछने लग गया कि क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता सुनो, एक जगह आप गए, एक टेबल पर कछुआ देखा, कछुआ ऐसा किसकी टेबल पर देखा आपने, एक कछुआ जैसे शीशे का एक कछुआ बना हुआ है, एक कछुआ ऐसा, बहुत पहले आप गए एक जगह पर, उसने टेबल पर कछुआ बनाया हुआ है कांच का, ऐसा रखा है, एक एक गुड्डा रखा है गोल्डन कलर का, लक किसको कहते, गुड लक, ऐसा क्या बोलते उसको, देखा है वो आपके ऊपर हंस रहा है, आपके ऊपर हंस रहा है वो, ए लड़कियों उठो वहां से और जाओ, तुम ठीक होगी, चलो जाओ, तुम्हारे घर बन गए, सारी प्रोफेसी तुम्हारे लिए ही करूँ, चलो दूसरों का नंबर भी आने दो, सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आशीष दे रहा है, मेरी बात सुन रहे हो, और ऐसे समय में मतलब आपके हर साथ वाले साथ छोड़ गए, बहुत सारे आपकी मदद करने के लिए पीछे हट गए, कि शायद ये पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, जब आप किसी के घर जाते हो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर आप टूटते हो कि शायद ये मेरे से बात नहीं करते हैं, अपने भी अलग हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वरा कहता है कि मैं आशीष दूंगा, ऐसा कौन है, ऐसे ऐसे कुछ नाम देखता हूँ, मैं आत्मा देखता हूँ, शाइना ऐसे कुछ नाम मैं आत्मा में देख रहा हूँ, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है वो नाम आपको चमकाने के लिए जा रहे हैं, आपके घर को चमकाने के लिए जा रहे हैं, एक ग्राहक, एक बिजनेस, एक पार्टनर परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा बड़ी जल्दी आपके लिए रास्ते खोल रहा है, बोलो हालेलुया। सुनो आज के बाद वो पेट से जो बीमारी है, वो समस्या है, कहता है कि वो आज से वो खत्म होने के लिए जा रही है, यीशु मसीह के नाम में खत्म होने के लिए जा रही है, बोलो आमीन। अगर आप आमीन बोल रहे हैं आपकी भी खत्म हो रही है, सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे लिए आमीन बोलूंगा, मैं तेरे लिए आमीन बोलूंगा, बोलो हालेलुया। जल्दी ऊपर चली जा, बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। आप सुरक्षित रहें, आप लॉन्ग लाइफ जिए यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुनो, परमेश्वर का आत्मा बोला कहता है मैं वो तकलीफ देखता हूँ और वो खत्म होगी। मैंने देखा एक इतनी हाइट का आदमी, ऐसे कोई अचानक मर गया, अचानक डेथ हो गया उसके, और काफी उम्र में, जैसे अचानक डेथ, हार्ट अटैक से कौन गया, हार्ट अटैक से, ऐसा बीपी प्रॉब्लम रहता है किसी को, बीपी, और परमेश्वर का आत्मा कहता है वो हार्ट अटैक, एकदम अटैक आया और वो चला गया, एकदम से अटैक आया, कौन चला गया आपकी नॉलेज में है, वो कौन है, वो मर गया, मेरे बुआ के हस्बैंड थे, आपकी बुआ के हस्बैंड, हाँ, वो मुझे बहुत लाइक करते थे, बहुत लाइक करते थे आपको, हाँ, बेटे समान मानते थे, चोटी भी डाल के देते थे, मेरी रोटी भी डाल के देते, नहीं चोटी, चोटी, अच्छा चोटी, चोटी डाल कर देते हैं और वो आप उसको लाई करते थे। अब सुनो मेरी बात, जो वो मर गया बंदा, वो आपके बाजू में घूम रहा मरा हुआ, वो लाई करने वाला, उस दिन से आप परेशान हो जाता, परमेश्वर का आत्मा मोरा कहता है कि आप बैठो और वो बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में, आज वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी यीशु मसीह नासरी के नाम से,
पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपकी वो समस्या है, जिस समस्या के लिए आप आए हो आज परमेश्वर छूने के लिए जा रहा है। एक मैं नोट देखता हूँ, उसमें 555 है और 444 है, आप देखना। एक नोट देखना, कोई 500, कोई 555, कोई 444, अपने पर्स में देखना बाद में। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि एक नोट के ऊपर खून लगाकर, ऐसा इसकी संदूर लगाकर, और ऐसे ही आपके लाइफ में एंट्री किया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि पैसे में प्रॉब्लम्स आया, जादू टोना आया और वो बंधन टूट रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि एक गाड़ी पुराना गाड़ी किसके पास है वो मैं देखता हूँ। ऐसा पुराना गाड़ी देख रहा हूँ मैं, एक ब्लू रंग का हल्का सा। हाँ। किसके पास है वो? मेरे घर में है। आपके घर में है? मैंने देखा वो गाड़ी, अभी वो खड़ा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, यहाँ से जाने के बाद आप चेंज करने वाले हो, व्हाइट रंग का नया गाड़ी आने वाला है। बॉम्बे से आई है, बॉम्बे क्या है? एक्चुअली मैं विदर्भ से हुआ, बोलो। नहीं, कहीं से भी हो लेकिन बॉम्बे रही थी जॉब के लिए। हाँ मुझे पता है ना, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता वो गाड़ी देख रहा हूँ मैं। वो मैं क्या बोल रहा, 20 के पास, 19 आप पैदा हुए 19 को? Yes. हुए कि नहीं? किसने देखा? परमेश्वर ने देखा कि नहीं? यहाँ यीशु मसीह है कि नहीं? है कि नहीं? यीशु मसीह कह रहा है, जिस दिन तू पैदा हुई है मैंने देखा है। कहता डोंट वरी, कहता कि तू मरने की तैयारी मत कर। अंदर अंदर सोचती है कि मैं मर जाऊं, अंदर अंदर तू घुटती है कि मैं मर जाऊं, परमेश्वर मुझे उठा ले। बोलते हो बार बार, परमेश्वर ने 3 बार आपके मुंह से सुना है और परमेश्वर कह रहा है कि तूने 3 बार ऐसे बोला है। एक सोफे वाली ऐसी कुर्सी है जैसे ऐसे ऐसे झूलती है वो, ऐसे आपके घर में है वो, ऐसा पता नहीं कहाँ है वो, आप ऐसे बैठते हो उस पर और वो झूलती है। उस पर 3 बार आपने बोला कि शायद परमेश्वर उठा ही लेता, इसे दुनिया में क्या फायदा जीने का। परमेश्वर कह रहा है 4थी बार मत बोलना, नहीं तो सच्ची में उठा लूंगा। 3 बार बोला है, 4थी बार मत बोलना, आपके मुंह को परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर कह रहा है आज पश्चाताप कर, कहता मैं तेरे जन्म डेट को जानता हूँ तो तुझे मरण डेट भी बता सकता हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आज के बाद, यहाँ से जाने के बाद तू पूरी जगह पर गवाहियां देगी कि मैं मरूंगी नहीं, अब मैं जिंदा रहूंगी यीशु के लिए, और यीशु आपके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज वो शराब खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे हाथ की तरफ देखते रहो, इसमें से एक सामर्थ उतर रही है, सामर्थ। हाथों को उठाओ, रात चार रात बाद सना यो रे 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 रे। वो गंदी आत्माएं जो रात को आपको सपने में आती हैं, एक स्नेक बार बार तंग करता है आपको, आपको तंग करता है और आपके यहाँ से एक दर्द शुरू होता है। होता है कि नहीं? हाँ करे करूँ पतरस, यहाँ से दर्द शुरू होता है आपको रात को, वो फिर ऊपर तक फैलता है। आप सही रात परेशान रहते हो, उस दर्द से जूझते हो। तो आज के बाद वो नहीं होगा, वो दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपको वो पानी में, पानी के बार बार सपने आते हैं, पानी के, कई बार ऐसे सपनों में आता पानी आता है, कई बार आपको वो पहाड़ियां नजर आती हैं, कई बार ऊंचाई नजर आती है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है उससे आपको शैतान गिराना चाहता है और साइड कराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है आज मैं बंद करूंगा, कहता है आज वो शैतान के सारे रास्ते बंद होंगे, तेरे लिए मैं खोलूंगा। और पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया करने जा रहा है। राजू 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 राजा 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 ऐसा 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 नाम को लेकर आप दुआ करो। 3 हफ्ते के बाद मेरा ही कल होने वाला है उसकी जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं आशीष दूंगा तेरी प्रार्थना से, बहुत बड़ा बंधन टूटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपने कहा था परमेश्वर मुझे अपनी सेवा में ले ले, बोला था कि नहीं? परमेश्वर इस मीटिंग के बाद तुझे अपनी सेवा में लेने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कौन सी सेवा लेने के लिए? कौन सी सेवा? मतलब परमेश्वर तुझे बहुत रिच करने के लिए जा रहा है। तो परमेश्वर के लोगों की मदद किया करेगी, इतना पैसा होगा तेरे पास। और इस समय आज से तेरे जितने नुकसान हुए वो बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तुझे छुएगा और आजाद करेगा, और ये अभिषेक तुझे टच कर रहा है इस समय, और इसी समय वो स्प्रिट, बैड स्प्रिट आपके पेट से निकल कर बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी। आ रा 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 निकल जाओ पितरत को छोड़, इसके पितरत को छोड़, इसके घर को छोड़, इसके परिवार को छोड़, इसके परिवार को छोड़, छोड़ इसके परिवार को, छोड़ इसके परिवार को, इसकी फैमिली को छोड़, छोड़ इसके रिश्तेदारों को, छोड़ इसके बच्चों को, छोड़। हुक्म देता हूं तुझे, छोड़ इसकी गाड़ी को, छोड़ छोड़ इसकी डेट ऑफ
पर्थ को जो इस पर तूने जादू टोना किया है, हुक्म देता हूँ तुझे छोड़, इसको कोई कैंसर नहीं होगा इसके बच्चेदानी में, छल निकल जा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से, फ्री कर, छोड़ दे इसको गंदी बदरू, जाओ यीशु मसीह के नाम से, फट यीशु के नाम से फ्री करता हूँ इसको यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, हम भाई कर, हालेलुया, हालेलुया, उठो स्टैंड अप, आज के अभी से चेक करना आपका वेट लूज हो गया, हालेलुया, अपनी पैंट देखो लूज हो गई, हाँ हो गई, है सारे, है, हालेलुया, जारी है, जारी है, जोर से, जोर से प्रार्थना किया दूध होगी कि नहीं, ये नीचे जा रही है कि नहीं, परमेश्वर मुझे थोड़ा तकड़ा कर दे बहन जी, देखा आपने, देखा अभी अभी आपको महसूस हुआ कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं, आपका पता है अब पूरा 10 किलो वेट कम हो गया आपका यीशु मसीह के नाम से, आज से वो बीमारियां खत्म हो गई, अब डॉक्टर के पास जाना आप देखना कि कुछ भी नहीं है, सबको ठीक है, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, कहता है वो पेन खत्म हो रही है और परमेश्वर तुझे अपनी सेवा में इस्तेमाल कर रहा है, अगली बार आप आओगे आपका चेहरा बच्चों जैसा होगा, ओके थैंक यू जीसस, थैंक यू आपको भी, थैंक यू, और अभी चेहरा बदल के दिखा दिखा दिखा, ध्यान से देखो, है ना, सही में नहीं ये गिले गिले बाल मुझे इसका चेहरा देखो ध्यान से, बदला है कि नहीं, अभी सुनो, अभी क्या हुआ, जब मैंने प्रार्थना किया आप में से इतने बड़े दुष्ट निकल कर भाग गए वो, हालेलुया, और आपकी जिंदगी में काम होना स्टार्ट हो गया, हालेलुया, अभी आपको क्या करना है, अभी उन लोगों ने जिन लोगों ने प्रार्थना कराया है अपने हाथों को उठाओ और खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, आप खड़े हो जाओ, आप हीलिंग को देखोगे, उधर खड़े हो जाओ सब अपने स्थान पर और सिर पर हाथ रख लो सब, और आंख बंद करो, और आज एक अनॉइंटिंग ऑयल जो परमेश्वर की ओर से है वो अभिषेक का तेल आपके ऊपर डलेगा, आज स्वर्ग से आपके ऊपर डलेगा एक अनॉइंटिंग वाटर आपके ऊपर डलेगा, आंख बंद करो, सीरियसली खड़े हो जाओ और परमेश्वर के इस प्लान को बड़े देखो, आप पीछे से मैं कुछ स्वर्गदूतों को आता देखता हूं, अपने हाथों को उठाओ, आज जो भी किसी प्रकार का कर्ज चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद मैं विदेश जाऊंगा, मैं किसी कंपनी में काम करूंगा, शायद मैं अपने चाचे से हेल्प लूंगा, शायद मैं अपने मामे से हेल्प लूंगा, शायद मैं डॉक्टर की हेल्प लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं काम करूंगा, लेकिन नहीं, आप फ्लॉप होने वाले हैं, ऐसा मत सोचो, आत्मा बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है, स्पिरिट कह रही है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस समय आप अपने आप को प्रभु को दे दो, आज वो गुड फ्राइडे है, आज आपको वो गुड गुड मार्क्स देने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आज आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, इनके पास बच्चा नहीं है, बच्चा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, इनके शुगर है, आज वो शुगर जा रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो एड्स की बीमारी जा रही है यीशु के नाम से, आज रिसीव करो वो कैंसर की बीमारियां जा रही है यीशु मसीह के नाम से, वो वेट लॉस हो रही है यीशु मसीह के नाम से, वो डिप्रेशन जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, कर्जा जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम से, इसी समय जिनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है स्टॉप हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज इसी समय जिनके पास जॉब हाथ से निकल रही है हर साल आप फ्लॉप हो जाते हैं, इस साल आप फ्लॉप नहीं होंगे, गवर्नमेंट जॉब तो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप इस बार रिफ्यूज नहीं होंगे, आपका वीजा आएगा यीशु मसीह के नाम में, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आपके लिए पवित्र आत्मा मार्ग खोल रहा है, जिन लोगों ने प्रार्थना में लगे रहने का फैसला किया है, कमिटमेंट किया है परमेश्वर के साथ, आज ही कह रहा हूँ कि वह शैतानी चक्कर आपके ऊपर से खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आज आप छूट रहे हैं और आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आज बंधन ढूंढ रहे हैं आप फ्री, 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 अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, हिलाओ इस गीत में हिलाओ और देखो आपके साथ क्या होने वाला है, बीच में जाओ, कोई लगाओ, कोई लगाओ, बीच में जाओ, मैंने कहा था आज अनॉइंटिंग वाटर ले लेना, आज मैंने एक स्पेशल दुआ की है, अपने हाथों को उठाओ और अनॉइंटिंग वाटर अपने हाथ में उठाओ, बाइबल में लिखा कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल,
और फिर क्या लिखा के और मुंह धो ले। मेरी बात को सुनो, आप मुंह धोने के बाद अपने सिर धोने के बाद तेल लगाते हो ना, कि पहले मिट्टी होती है फिर तेल लगा लेते हो इसके ऊपर, तेल लगाते हो कि नहीं? वो तेल इसलिए लगाया जाता है कि आप दूर से पता लगे कि शाइनिंग है आपके बालों में, आज नहा कर आए हैं आप। हालेलुया। और ये जो पानी अनॉइंटिंग वाटर है, आज प्रार्थना करूंगा निकाल कर अपना मुंह धोना भी। और जब आप अपने घर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में कहीं भी जाएंगे, जो आपके चेहरे को देख लेगा वो कहेगा सच में प्रभु का तेज इसके ऊपर आ गया, आपको खुशखबरी मिलने वाली है। निकालो अपना अनॉइंटिंग वाटर निकालो। पड़ोसियों से उधार नहीं मांगना, यहाँ भी उधार। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रभु कि आज तूने कहा कि आज अपने लोगों को बोल कि ये अनॉइंटिंग वाटर आज अपने मुंह पर डालें और जो उपवास में है वो तेल मले अपने सिर पर। और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता, पवित्र आत्मा तू मेरी जुबान से आज कह रहा है, उन लोगों को कह रहा है कि आज विश्वास करना, विश्वास के साथ कह रहा है कि तेल लेना, कहता और अपने सिर पर डालना और अपना मुंह धो लेना, कहता उस अनॉइंटिंग वाटर से, कहता कि आज, कहता कि तुम्हारी जिंदगियां बदलने वाली, शाइनिंग मारने वाली है। जैसे तुम्हारे बाल शाइनिंग मारेंगे, तुम्हारे बच्चे शाइनिंग मारने लगेंगे। तुम्हारे सिर को, तुम्हारे मस्तक को जिसने खराब किया है, आज फिर से तुम्हारा मस्तक शाइन मारेगा, तुम्हारा बिजनेस शाइन मारेगा। इसके पेट में, नसों में प्रॉब्लम से मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, और वॉइस में मेरे बोलते ही इस गीत में जैसे हम गाएंगे और ये ऑयल लगाएंगे और ये तेल और ये पानी अपने मुंह पर डालेंगे, पवित्र आत्मा आज इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं, शराब टूट रहे हैं, अपासाद हो रहे हो, अपासाद हो रहे हो, मैं देख रहा हूँ किसी के पेट में से कैंसर बाहर आ रहा है, किसी की बच्चेदानी में से रसोलियां बाहर आ रही है, बवासीर बाहर आ रही है, पथरियां रसोलियां बाहर आ रही है, वो खाया पिलाया बाहर आ रहा है। आज खाओ बाहर जाए, आज खाया पिलाया बाहर जाए। पिता इस सावन को छोड़ता हूँ इस अनॉइंटिंग वाटर में, ऑयल में, और अपने मुंह को धो लो, मुंह खोलो और पी लो। आज अपने मुंह पर मारो, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत है इस गीत में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके, सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।